हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से किसी व्यूअर द्वारा पूछा गया और हमें लगता है कि क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि इसका आंसर आप सभी को जानना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि एमए एजुकेशन और बीएड, ये दोनों अगर डिग्री कोई प्राप्त कर लेता है तो ये एमए डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? तो आपको हम बता दें कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एमए एजुकेशन और एमएड में क्या डिफरेंस है। आपको बता दें, एमए एजुकेशन और एमएड दोनों ही मास्टर डिग्री है, लेकिन इनका एरिया अलग अलग होता है। थोड़ा सा पिछले वीडियो का अंश आपको हम बता दें। देखिए, एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री आप कंप्लीट करते हैं तो अगर कहीं पर मास्टर डिग्री एलिजिबिलिटी मांगता है किसी जॉब में, तो आप एमए एजुकेशन दिखा सकते हैं। अगर आपके पास एमएड है तो भी अगर मास्टर डिग्री कहीं पे जॉब में मांगा जा रहा है किसी जॉब में कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए तब जाके आप एलिजिबल होंगे जॉब के लिए, तो एमएड भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन किसी विशेष तौर पे अगर जैसे कि टीचिंग के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका रोल अलग अलग होगा, आपका एरिया अलग हो जाएगा। अगर एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री करते हैं और प्लस आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो किसी डिग्री कॉलेज में यूजी पीजी एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आप असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं। ये जान लीजिए, सब्जेक्ट रहेगा आपका एजुकेशन और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं अगर आप एमए एजुकेशन से आप लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप एमएड कर लेते हैं तो एमएड कब होता है? बीएड के बाद होता है। तो पहले आप बीएड कंप्लीट करेंगे, देन आप एमएड कंप्लीट करते हैं और प्लस नेट कंप्लीट करते हैं तो किसी भी टीचिंग जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं, ठीक है, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप नियुक्त हो सकते हैं। यानी कि जो बीएड कॉलेज हो गया, जो डीएलएड कॉलेज हो गया, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर नियुक्त हो सकते हैं और टीचरों को ट्रेंड कर सकते हैं। तो एमए एजुकेशन देखा जाए, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, एक विशिष्ट सब्जेक्ट से आपको मास्टर देखा जाए डिग्री प्रदान करता है, और एमएड जो है यह आपको स्किल्ड करता है, आपको ट्रेंड करता है टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक, तो ये हो गया दोनों एरिया आपका एमए एजुकेशन और एमएड का। लेकिन अगर आप एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजी कंप्लीट करते हैं, मास्टर डिग्री हो जाते हैं, देन आप बीएड भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ये एमएड के क्या बराबर हो जाएगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एमए एजुकेशन करते हैं और बीएड करते हैं तो ये एमएड के बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह एक केजी और एक केजी मिला के दो केजी के बराबर करना जो फार्मूला चलता है ना, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी प्राइवेट कॉलेज में आप टीचर ट्रेनिंग के तौर पे, टीचर ट्रेनर के तौर पे आपको बैठाया जा सकता है, ठीक है, जो कि इनलीगल है, लेकिन आप एमएड के बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीएड जो है आपको पता है कि 6 से 8 तक के, ओके, 6 to 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को टीच करने के लिए ये डिग्री आपको दिया जाता है, यानी कि आप ट्रेंड हो जाते हैं 6 to 8 को, या कहा जाए 9th to 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। कॉलेज में देखा जाए जॉब करने के लिए आपके पास एमए प्लस नेट या एमएड प्लस नेट होना चाहिए। अगर किसी देखा जाए आप बच्चों के कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के कॉलेज में आप नहीं पढ़ाते हैं, तो आपके पास बीएड डिग्री जो है यही ज़्यादा आपके लिए काम कर देगी। लेकिन हायर एजुकेशन देखा जाए, उच्च शिक्षा या यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो एमए या एमएड आपको होना पड़ेगा। तो दोनों देखा जाए, एमए एजुकेशन और बीएड मिला के एमएड के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि आपको गवर्नमेंट कभी नहीं कहेगी कि आप लीगली तौर पे आप जाइए टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका रोल अपना है, इसका रोल अपना है और एमएड का रोल अपना है, ठीक है। तो एमए एजुकेशन का अपना एरिया हो गया, बीएड का देखा जाए तो जो अपर प्राइमरी स्कूल हो गया उसके लिए आपका हो गया, ठीक है, टीजीटी के लिए हो गया। लेकिन अगर आप एमएड करते हैं तो ये आपको टीचरों को ट्रेन करने का मौका देता है। तो ये हो गया आपके लिए इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। तो क्या एमए शिक्षा साथ और बीएड कर लेते हैं तो एमएड के बराबर होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्लियर कट आप लोग जान लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लॉलीपॉप की तरह कोई ये दे रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपका फायदा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हाँ, किसी स्टेट में अगर थोड़ा सा आपके लिए पॉलिसी में चेंज कर दिया जाए
कुछ दिनों के लिए कि आप इसका बेनिफिट ले लीजिए, तो शायद कुछ दिनों के लिए आपका इसका बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर लीगली तौर पे अगर समय के देखा जाए बढ़ते हुए कदम में अगर आप इसके चपेट में आते हैं कि ये इनलीगल है, तो आपको देखा जाए हटा दिया जाएगा ठीक आपके पोस्ट से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो लीगल है लीगल है, जो इनलीगल है लीगल है ठीक है। ऐसा होता तो एमएड की जरूरत ही नहीं होती और यही दोनों कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहते। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको लेना हो ले सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।